सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि आगामी गर्मियों के मौसम में प्रदेश के ग्रामीण व दूर दराज के सूखा संबंधित क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से धन की समुचित व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर स्थिति को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उपायुक्त कार्यालय सभागार में मंडी जिला में सूखे की स्थिति से निपटने के उपायों पर आयोजित प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए ये शब्द सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहे। बैठक में मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद राम स्वरूप शर्मा व सुंदरनगर से विधायक राकेश चंबाल भी उपस्थित रहे। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन तथा बर्फबारी कम होने के कारण प्रदेश में भूमिगत जल के स्तर में कमी आई है, जिसके मद्देनजर गर्मियों में पेयजल की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देशों पर वे स्वयं पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर बैठकें आयोजित कर रहे हैं। बिलासपुर जिला के उपरांत आज यहां मंडी में भी इस तरह की दूसरी बैठक आयोजित की गई, जिसमें संभावित सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए विशेष प्रबंधों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जिन पेयजल योजनाओं का कार्य 75% से अधिक पूरा हो चुका है, उन्हें समयबद्ध पूरा करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके लिए दो चरणों में लगभग 32 करोड़ रूपये की राशि व्यय करने का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि इस योजना के पूर्ण होने से पेयजल आपूर्ति में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार संतुलित विकास को प्राथमिकता प्रदान कर रही है और दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों से केंद्र सरकार ने विक्स के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3,267 करोड़ रूपये की पेयजल परियोजना स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर वर्षा जल संग्रहण पर भी प्रदेश सरकार विशेष बल दे रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक परियोजना केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को आवंटित की जाएगी, जिसमें भूमिगत जल में आ रही गिरावट को रोका जा सकता है और प्राकृतिक जल स्रोतों का पूर्ण भरण सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि कृषि तथा बागवानी में भी इस जल का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आने वाली संभावित पंचायतों को चिन्हित करें और इनमें पेयजल आपूर्ति बनाए रखने के लिए कम समय अवधि में लागू किए जा सकने वाले विकल्प प्रस्तुत करें। ऐसे क्षेत्रों में गर्मी में पेयजल आपूर्ति के लिए हैंडपंप, ट्यूबवेल, बोरवेल व टैंकर इत्यादि लगाने की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त दो या अधिक योजनाओं को आपस में जोड़कर भी समस्या का समाधान करने के निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि जल विज्ञानी की सहायता से भूजल की स्थिति पता कर हैंडपंप इत्यादि स्थापित करने की दिशा में भी त्वरित कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में वर्तमान में सूखा संभावित क्षेत्रों में पानी की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए 47 योजनाओं को आपस में जोड़ने तथा 160 हैंडपंप स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिस पर लगभग 6,50,00,000 रुपए व्यय होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त बंद पड़ी 121 हैंडपंपों को दोबारा चालू हालत में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गर्मियों में सूखे की संभावनाओं के दृष्टिगत सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे पेयजल से संबंधित जन प्रतिनिधियों तथा अन्य लोगों की शिकायतों व समस्याओं को व्यक्तिगत तौर पर कार्यालय में और दूरभाष पर ही सुने और इसके निवारण के लिए कार्य करें। आज की बैठक सूखाग्रस्त को लेकर के जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों में होने जा रही है। इसमें पहली बैठक जो है बिलासपुर में हुई है, दूसरी आज मंडी में हुई है और हम चिन्हित कर रहे हैं उन क्षेत्रों को जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पीने के पानी की समस्या जो है वो शुरू हो चुकी है और उसका क्या समाधान है। उस समाधान को लेकर के जो है आज पूरे जिला की बैठक रखी थी, जिला परिषद के सदस्यों को बुलाया गया था, नगर परिषद के चेयरपर्सन को और साथ में जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे उनको और जिला के सभी अधिकारी इसमें शामिल थे।